हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज थोड़ा सा मैंने सोचा यूनिक केक की डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। है तो वैसे ये एनिवर्सरी का केक, बट मैंने सोचा इस केक को मैं वैलेंटाइन पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा और पढ़ लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। और आज है वैलेंटाइन का फर्स्ट डे, तो मैंने सोचा इस वैलेंटाइन कुछ अलग अलग डिज़ाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वैलेंटाइन वीक है तो कुछ इस टाइप की केक लोग बनाते हैं, और आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आपके पास भी अगर कुछ ऑर्डर आते हैं वैलेंटाइन पे, तो इस टाइप की केक आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इस टाइप से केक बना लीजिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा एक दूसरे को इम्प्रेस करने में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर ली थी। चॉकलेट ग्रास मैंने तैयार कर लिया, व्हिप क्रीम तैयार कर लिया, स्पॉन्ज मैंने तैयार कर लिया है, और मैंने फोंडेंट्स के कुछ हार्ट्स कटिंग करके रखे हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपरेशन पहले से ही कर ली थी, और तो मैं वीडियो शुरुआत किया था मैंने। और यहाँ पे जो स्पॉन्ज है, ये 1 kg का केक होने वाला है, जिसके लिए मैंने 7 inch के टिन में 300 g चॉकलेट प्रीमिक्स से मैंने स्पॉन्ज को बना के तैयार किया था। 3 layer में मैंने पहले से ही केक को कट कर लिया है, और ये एनिवर्सरी पे मुझे ऑर्डर मिला था आज से 4-5 दिन पहले, पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस वीडियो को मैं वैलेंटाइन के फर्स्ट डे शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी इस वैलेंटाइन कुछ डिफरेंट टाइप का केक बना सकें, अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकें। तो चलिए, यहाँ पे केक की तीनों लेयर को हम अच्छे से असेंबल करेंगे। फर्स्ट लेयर मैंने केक बोर्ड के ऊपर लगा दिया है, शुगर सिरप से मैंने सोक किया है। आपको मीठा कम पसंद है तो आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर मेरी माने तो मैं नॉर्मल पानी नहीं यूज़ करती। मुझे ऐसा लगता है ना कि केक का जो स्पॉन्ज है, कहीं ऐसा ना हो कि फीका फीका सा लगे, तो मैं उसमें हल्का सा भी शुगर ज़रूर ऐड करती हूँ अगर मैं शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ अपने केक में। तो चलिए, यहाँ पे शुगर सिरप से अच्छे से केक को सोक करने के बाद मैंने लगा दिया उसके ऊपर व्हिप क्रीम, और अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे चॉकलेट ग्नास यूज़ किया है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हो। चोको चिप्स मैंने यूज़ कर लिया है, आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर लो, या जिस तरीके से या जितना पैसा कस्टमर आपको दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने केक को तैयार कर सकते हो। चोको चिप्स नहीं है तो चॉकलेट को ग्रेट करके भी डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आप इसमें चॉकलेट के चोको चिप्स ही यूज़ करो। ओरियो के बिस्किट भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी टेस्ट मिल जाती है उसे, और आपका जो एक केक का फ्लेवर है यानी कि टेस्ट, वो आपको डिफरेंट मिल जाएगा, क्योंकि ओरियो डाल दोगे ना तो उससे और भी अच्छा खासा क्रंचीनेस आपके केक में मिल जाता है, टेस्ट भी काफ़ी अमेजिंग लगता है। मैंने ट्राई किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे चॉकलेट के साथ कई सारी चीज़ें जाती हैं, स्ट्रॉबेरी क्रश वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी बेरीज वाले जो भी क्रश हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंगो क्रश भी यूज़ कर सकते हो चॉकलेट के साथ, काफ़ी अच्छी खासी टेस्ट उससे भी आती है। ऑरेंज भी आप यूज़ कर सकते हो, तो चॉकलेट के साथ ना बहुत सारी वैराइटीज़ जाती हैं। और आप चॉकलेट के साथ हेज़लनट स्प्रेड आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, जैसा आप कस्टमर जिस हिसाब से आपसे डिमांड करते हैं उस हिसाब से उनको आप बना के दो, और जिस हिसाब से वो आपको पैसे दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने केक को तैयार करो, उनके सामने प्रेजेंट करो, और अच्छे से अच्छे फिनिशिंग देने की आप केक में कोशिश किया करो। कमेंट्स आया था कि हमारे केक में फिनिशिंग नहीं आता है, कभी कभी मुझसे भी फिनिशिंग नहीं होता है, 5-10 केक बनाने से कोई फिनिशिंग नहीं होती है, मुझसे भी कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी तो मुझे 2 से 3 बार भी फिनिशिंग करने में लग जाता है। तो चलिए, बातें यहाँ पर मैंने बहुत सारी कर ली हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया है, और क्या क्या मैंने चीज़ें यूज़ किए वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे केक को मैंने क्रम कोट कर लिया है, फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के ही मैं आइसिंग करती हूँ, आप मेरे सारे वीडियो में देख सकते हो। मुझे ना ये काफ़ी इजी लगता है करना, और जो मेरा काम करने का जो काउंटर है ना, वो भी मैसी नहीं होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा काम हो जाता है, और फिनिशिंग भी 1 से 2 बार में हो जाता है। यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कटिंग नहीं किया है, फास्ट आपको अगर दिख रहा होगा तो हो सकता है, बट मैंने ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया है वीडियो को, तो जो है वो आपके सामने ही है। पैलेट नाइफ का एक बार यूज़ करती हूँ मैं, और एक बार स्क्रैपर का मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ,
और स्क्रैपर यूज़ करने से ना मेरी जो साइड वॉल की फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी निकल आती है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो ऊपर के साइड में आती है, तो मैं इस तरीके से पैलेट नाइफ से उसे हटा लेती हूँ। तो आप देख ही सकते हो कि वीडियो में किस तरीके से एक बार मैं पैलेट नाइफ पे जो मेरी क्रीम आ रही है वो मैं स्क्रैपर पे ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ना साइड में एक गीला कपड़ा रख रखा है, उसमें मैं अपने पैलेट नाइफ को बिल्कुल क्लीन करती हूँ। उसके ऊपर बिल्कुल भी क्रीम नहीं लगी हुई होती है, इसलिए मेरी ऊपर की जो टॉप पार्ट है ना वो अच्छे से आपको फिनिशिंग दिखती है, स्मूथ फिनिशिंग दिखती है। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्रीम कहीं पे उठा हुआ है या दबा हुआ है। तो आप देख ही सकते हो वीडियो में किस तरीके से मैंने यहाँ पे केक को फिनिशिंग कर लिया है। केक फिनिशिंग करने के बाद ना मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने लगभग 2-3 घंटे मैंने केक को फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि आफ्टरनून में मैंने इस केक की आइसिंग की थी और इवनिंग में इसको मैंने डेकोरेट किया था। लाइट भी आप देख सकते हो कि जब मैं आफ्टरनून में शूट कर रही थी तो वहाँ उस समय की लाइट कुछ और थी, पर अभी की जो लाइट है वो कुछ और है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि यहाँ पे ना बीच में मुझे इस तरीके से स्प्रिंकल यूज़ करना था, तो मैंने एक ना कटोरी का मार्क कर लिया कि मुझे कितने दूर में स्प्रिंकल यूज़ करना है। मुझे ना इस केक की पिक्चर कस्टमर ने दी थी, मैं आप लोग के साथ वो पिक्चर नहीं शेयर कर पाऊँगी, पता नहीं डिलीट हो गया था शायद मेरे ख्याल से, मुझे लगता है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने देखा पिक्चर में कि कस्टमर ने मुझे कौन सी पिक्चर दी है, तो वो मुझसे डिलीट हो गई थी। बट कोई बात नहीं, जैसा कस्टमर ने मुझे कहा था मैंने वैसा ही बनाया है, बट थोड़ा सा मैंने उसे डिफरेंट किया है और बीच में मैंने काफ़ी सारे स्प्रिंकल डाले हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। और नीचे के साइड में ना मैंने फॉन्डेंट के ही रिबन बना के नीचे के साइड में लगा दिया था, और कस्टमर ने जो मुझे फ़ोटो भेजा था ना उनमें फॉन्डेंट के नहीं लगे हुए थे, जो आर्टिफिशियल वाले रिबन आते हैं ना वो पिंक कलर का लगा हुआ था। बट कस्टमर ने कहा कि नहीं आप हमें रेड कलर का ही फॉन्डेंट से रिबन बना के वो आप लगा देना, तो उनके डिमांड को मैंने पूरा किया है इस केक में। और यहाँ पे ना मैंने हार्ट्स बना लिए थे, ये जो भी हार्ट्स थे मैंने कुछ कटर से काटे हुए हैं और कुछ हार्ट्स के जो प्लंजर आते हैं मैंने उससे काटे हुए थे। यहाँ पे जो बड़े बड़े आपको हार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये मैंने जो हार्ट्स के जो कुकी कटर होते हैं ना उससे मैंने यहाँ पर कटिंग की थी वाइट और रेड फॉन्डेंट के। ना पिछली बार मेरे पास, पिछले साल आप ये कह सकते हो, ऑर्डर्स आए थे बट मैंने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था क्योंकि मैं फॉन्डेंट नहीं रखती हूँ और क्योंकि हमारे तरफ कोई लेता भी नहीं है। तो इस बार ना मैंने वैलेंटाइन भी था और एनिवर्सरी भी आने वाली थी कई सारी, तो इस बार मैंने फॉन्डेंट थोड़े थोड़े मंगा के रखे हैं कि अगर कोई फॉन्डेंट के रिलेटिव अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं उन्हें पूरा करके दे सकूं। तो देखिए मैंने मंगाया और ऑर्डर भी आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है ये चीज़ें मैंने पहले से मंगा के रखी थी तो ये मेरे काम आ गई। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने कुकी कटर से हार्ट्स काट रखे हैं वो मैंने लगा दिए हैं, टूथपिक को मैंने इंसर्ट कर दिया उसमें, छोटे बड़े आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने वीडियो में आप लोग से शेयर किया है, आप देख लो। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें आप को देखना पड़ता है। और ना ये जो मतलब फॉन्डेंट का जो काम था ना मैं पहली बार कर रही थी और पहली बार भी मुझे ये ऑर्डर मिला है, मिला तो था ऑर्डर बट मैं कभी एक्सेप्ट नहीं की थी। मैंने पहली बार ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया और मैंने पहली बार बनाया भी है, मुझे बहुत ही मज़ा आया इस केक को बनाने में। और ना कुछ ना ये आप देख सकते हो कि मैंने एकदम छोटे छोटे हार्ट्स काट रखे थे, जो प्लंजर के हार्ट्स कटर होते हैं ना शायद आई थिंक वही बोलेंगे, तो उससे मैंने यहाँ पे हार्ट्स को कटिंग कर लिया था और मैंने केक के चारों तरफ लगा दिया है। 2-4 बज गए थे तो मैंने ऊपर में भी अच्छे से फ्रंट के साइड में मैंने लगा दिया है और केक ना काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। बाकी इसकी फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पे मैंने जो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाला है ना तो उसमें ना मैंने वो हैप्पी वैलेंटाइन का एक टैग लगा दिया था। एक्चुअली मेरे पास टैग था तो मैंने सोचा चलो इसमें लगा देते हैं, था तो ये एनिवर्सरी का केक तो मैंने कस्टमर को एनिवर्सरी का टैग दे दिया बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे ना कुछ मैंने गोल्डन बॉल्स लगा दिए थे ऊपर के साइड में, एक एक हार्ट्स के बीच में एक एक गोल्डन बॉल्स लगाए हैं।
और हाँ, कस्टमर ने मुझे जैसा पिक्चर भेजा था ना, उनके ना साइड वॉल पे जो हार्ट्स मैंने लगाए ना, उनके पिक्चर में वो हार्ट्स नहीं लगा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे लगा दिया था और काफ़ी अमेजिंग सा ये लग रहा था। यकीन मानिए, मुझे बनाने के बाद ना मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये केक मैंने बनाया है, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। कोई भी काम अगर हम पहली बार करते हैं ना, तो उस चीज़ को लेकर हमें बहुत खुशी होती है। वैसे केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी ये तो आप ही बता सकते हैं हमें कॉमेंट करके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और इस तरीके से केक बनाइए और वैलेंटाइन पे अपने कस्टमर को सेल कीजिए। और इस तरीके से नए नए केक की डिज़ाइन अभी मैं लाती रहूँगी इस वैलेंटाइन वीक में, अलग अलग डिफरेंट टाइप की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और इस केक की प्राइस की जहाँ तक बात है, तो मैंने इस केक का चार्ज किया था 850, बट कस्टमर ने मुझे 800 ही दिया। बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो चलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।